नमस्ते, वेलकम, स्वागत, जय हिंद। मैं हूं रौनक। क्रिको देख रहे हैं। देखो बॉस, क्रिकेट के खेल में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। याद होगा आपको युवराज के 6 छक्के, कैसे वर्ल्ड क्रिकेट यूवी पाजी की बैटिंग देखकर मदमस्त हो गया था और इंग्लैंड ध्वस्त हो गई। T20 में युवराज के कारनामे से पहले भी क्रिकेट के मैदान पर 6 छक्के देखे जा चुके, जैसा कि वनडे क्रिकेट में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हर्शल गिब्स ने नीदरलैंड के खिलाफ। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने भी 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा दिए और वेस्ट इंडीज के सर गारफील्ड ओवर्स भी वेस्ट इंडीज के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में 6 छक्के ठोक चुके हैं। ये कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिसको हासिल करने के बारे में कभी कोई बल्लेबाज सोचकर ग्राउंड पे नहीं उतरता, बल्कि अपनी बैटिंग के लय के हिसाब से हासिल कर लेता है। जैसे पोलार्ड ने भी श्रीलंका के खिलाफ एक T20 मैच में 6 छक्के लगाए थे। और कौन ही भूल सकता है कि कार्लोस ब्रेथवेट के वो 4 कड़क छक्के जिसने वेस्ट इंडीज को 2016 के T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाया था। याद है यान बिशप की लाइन, रिमेंबर द नेम वाली? तो भैया ये नाम अब आपको भी याद रखना है, ये नाम आपको कभी नहीं भूलना है। सबसे ऊपर अपना ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में 1 ओवर में 7 छक्के मारने का रिकॉर्ड बना डाला। बाबा रे बाबा। क्रिको के इंस्टाग्राम पर गायकवाड़ की रील अगर आपने नहीं देखी तो जाकर जरूर देखो और पता चलेगा मैच में हुआ क्या। जिसे नहीं देखा उसको मैं बता दूं, गायकवाड़ ने 6 छक्के लगाए लीगल गेंदों पर और 1 छक्का लगाया नो बॉल पर, तो हो गया ना 7। गायकवाड़ की ताबड़तोड़ ठुकाई के बाद मेरे आजू बाजू के लोग बस क्रिकेट के छक्कों की बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी क्रिकेट के हर फॉर्मेट को मिलाकर सिक्सर लगाने वाले उन खिलाड़ियों का नाम बता दूं जो है सिक्सर के किंग। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी इसे जरूर शेयर करिएगा। शुरू करते हैं। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में एक बल्लेबाज को सबसे ज्यादा रन तब मिलते हैं जब वो गेंदबाज के खिलाफ बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाते हुए छक्का लगाता है, मगर ऐसा पहले नहीं था। पहले क्रिकेट में काफी रक्षात्मक बल्लेबाजी होती थी, मगर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा खिलाड़ी बल्ले के साथ खतरनाक होते चले गए। खासकर T20 के आने के बाद तो बल्लेबाज बात बात पर छक्का मार देते हैं और छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अभी तक सिर्फ एक बल्लेबाज ऐसा रहा है जिसने अपने इंटरनेशनल करियर में 500 से ऊपर छक्के ठोके। तो इस वीडियो में हम उन 3 खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 3 के साथ, शाहिद अफरीदी। बूम बूम के नाम से मशहूर पाकिस्तान के पूर्व खतरनाक बल्लेबाज शाहिद अफरीदी इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में मिलाकर सबसे ज्यादा छक्के मारने की लिस्ट में 3rd नंबर पर है। अफरीदी जब भी बैटिंग करने मैदान पर उतरते थे, सामने गेंदबाजी करना किसी भी गेंदबाज के लिए इजी नहीं होता था। अपने करियर के दौरान अफरीदी लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए पूरी दुनिया में फेमस थे। दाएं हाथ के बल्लेबाज के इंटरनेशनल करियर की बात करें तो अफरीदी ने 96 से 2018 के दौरान पाकिस्तान टीम का इंपॉर्टेंट हिस्सा वो रहे। इस दौरान उन्होंने 524 मुकाबले खेलते हुए 476 छक्के लगाए, जिसमें से टेस्ट में 52, वनडे में 351 और T20 में 73 छक्के शामिल है। अब बात करते हैं नंबर 2, रोहित शर्मा। हिटमैन के नाम से पूरी दुनिया में फेमस भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में 2rd नंबर पर है। रोहित की गिनती दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में इसलिए भी होती है क्योंकि फॉर्मेट चाहे कोई भी हो उनका खेलने का अंदाज एक जैसा रहता है। अपने इंटरनेशनल करियर में रोहित ने अब तक कुल 426 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 496 छक्के लगाए। 500 छक्कों से सिर्फ 4 छक्के दूर रोहित शर्मा ने वनडे में 250 जबकि टेस्ट में 64 और T20 में 182 छक्के लगाए। रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए खेलते हुए बांग्लादेश में दिखेंगे। क्या लगता है, क्या रोहित बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच में 4 छक्के लगाकर भारत के लिए 500 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा। अब बात इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज की, जो कि यूनिवर्स बॉस नंबर 1 क्रिस गेल है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के कैरिबियाई बल्लेबाज क्रिस गेल के बल्ले से निकले हैं। गेल की गिनती दुनिया के उन बल्लेबाजों में होती है जो खड़े खड़े गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने में माहिर है। बाएं हाथ के गेल ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 483 मुकाबले खेले जिसमें 553 छक्के लगाए, जिसमें से 98 टेस्ट में आए, 331 वनडे में और 124 T20 में। ऋतुराज गायकवाड़ भले ही दिग्गजों की इस लिस्ट में कहीं ना दिखे, मगर उन्होंने अपनी एक लिस्ट ऐसी बना ली है जिसमें उनके अलावा जल्दी कोई नहीं दिखने वाला। तो ऋतुराज की ताबड़तोड़ पारी के लिए ऋतुराज भैया को ढेरों बधाई देना। कमेंट सेक्शन में उनके लिए कुछ बढ़िया सा लिख सकते हो, अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो दबा के शेयर करिएगा अगर आपको पसंद आई हो, और इसका स्क्रीनशॉट लेके हमको और ऋतु भैया को इंस्टा पे भी टैग जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं क्रिको पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।